Hello friends, welcome to my channel where we are discussing about the light up procedure of a thermal power plant. And we have already discussed about how to take MDPFP, CEP and how to start the LP bypass system, HP bypass system and how to light up the boiler. Okay, so after charging the bypass system, we need to take the coal mill or the pulverizer in service. तो ये सब लेने के लिए हमें जो हम पल्वराइजर को सर्विस में लेना है तो उससे पहले हमें PFN को सर्विस में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पल्वराइजर है उसका काम होता है कोल को पल्वराइजर फॉर्म में कन्वर्ट करना या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन उस कोल को पल्वराइजर से लिफ्ट करके बॉयलर के अंदर फर्नेस तक ले जाने का काम होता है, वो होता है प्राइमरी एयर का। प्राइमरी एयर आती है हमारी PFN सिस्टम से। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट द PFN सिस्टम। ठीक है, हमारे पास पावर प्लांट में दो PFN होते हैं और उसमें जब हम पहला PFN कैसे चलाते हैं उसके लिए हम ये सिस्टम देख रहे हैं। तो पहला जो PFN है वो चलाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले जो स्टेप्स है वो ये है कि ये हमारा PFN है। ठीक है, ये एक मोटर से शाफ्ट से अटैच है। ठीक है, यहाँ पर ये आउटलेट गेट है PFN का। इसके बाद इसके दो हेडर बनते हैं, एक हॉट हेडर और एक कोल्ड हेडर। ठीक है, हॉट पी हेडर होता है ये APH के थ्रू जाता है एयर प्रीहीटर के थ्रू, और ये कोल्ड पी हेडर है जो नॉर्मल टेम्परेचर की एयर है, और ये दोनों जो हेडर है ये जाते हैं अपने कोल मिल पे। वहां पे ये जो हमारा पल्वराइजर कोल है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये दोनों मिक्स होके यहाँ कोल मिल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जब भी किसी भी फैन या पंप या किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका करंट हाई नहीं जाए। ठीक है, तो करंट हाई नहीं जाए, जब जब हम इसको कमांड देंगे तो ये इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो एक बार के लिए हाई जाता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको मोटर को कमांड दो तो उस टाइम पे हमारा आउटलेट गेट है, मोटर पे लोड नहीं होना चाहिए। लोड नहीं होने के लिए आपको आउटलेट गेट बंद कर देना है और पिच जो ब्लेड पिच है फैन की उसको आपको जीरो कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आप इसको कमांड दोगे। ठीक है, कमांड देने के बाद में आप आउटलेट गेट खोलोगे और उसके बाद में ब्लेड पिच को बढ़ाओगे। ठीक है, तो उससे आपको एयर फ्लो मिल जाएगा। तो हमारे जो स्टेप्स है वो क्या है एक बार देख लेते हैं और क्या क्या परमिसिव है इसके वो देख लेते हैं। तो हमारा जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का स्टार्टिंग प्रोसीजर है उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है PFN की स्टार्टिंग। तो ये हो गए हमारे पास में यहाँ पे जो इसके परमिशन। ठीक है, ये परमिशन ये है कि आपको जो आउटलेट गेट है वो शुड बी क्लोज्ड एंड ब्लेड पिच शुड बी जीरो, ल्यूब ऑयल पंप शुड बी इन सर्विस एंड ये है अपने स्टेप्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले आप मोटर को कमांड देंगे, मेन मोटर को टर्न द मेन मोटर ऑन एंड व्हेन करंट गेट्स बैक टू नॉर्मल ओपन द आउटलेट गेट। ठीक है, जब आपका मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो हाई रहता है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे ही कुछ सेकेंड में, आपको आउटलेट गेट ओपन कर देना है। तो उसके बाद में आपको जो हमारे जो फैन की ब्लेड पिच है उसको इंक्रीज करना है एज रिक्वायर्ड फ्लो। ठीक है, अब हम इसके PFN के फंक्शन देख लेते हैं कि इसका मेन क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जो PFN का प्राइमरी जो फंक्शन है वो ये है टू लिफ्ट द कोल फ्रॉम पल्वराइजर एंड टेक इट टू द फर्नेस। ठीक है, जो सेकेंडरी फंक्शन है वो इसका है रिमूव मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम पल्वराइज्ड कोल। ओके,
ये हो गया हमारा इसका सिस्टम कि हम इसको कैसे इसको स्टार्ट करेंगे और इसका क्या क्या ध्यान में रखना है। तो हमारे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप मोटर कमांड दोगे, उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी बेरिंग लगे हुए हैं हमारे पास में, ठीक है, उन बेरिंग पे आपका ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए। उसके लिए एलओपी पंप होते हैं, ल्यूब ऑयल पंप, वो चलते हुए रहने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दो ल्यूब ऑयल पंप होते हैं जिसमें एट ए टाइम एक ही चलता है, दूसरा उस पर रहता है अपना स्टैंड बाई पे, ठीक है। तो ल्यूब ऑयल पंप हमने देख लिया, उसके बाद में हमारे को ये देखना है कि ये जो आउटलेट गेट है वो बंद होना चाहिए, प्लेट भी जीरो होना चाहिए। उसके बाद आप मोटर को कमांड दोगे, जैसे ही करंट नॉर्मल आ जाएगी उसके बाद में आप फिर से इसको जो आउटलेट गेट है इसको ओपन करोगे और ब्लेड पिच रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लेड पिच को बढ़ा लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोलमिन होगी जहां से ये कोल को लिफ्ट करेंगी, ये जो हमारी प्राइमरी एयर है। तो इसके लिए दो हेडर है, एक बोल्ट हेडर है और एक कोल्ड हेडर है। ये दोनों मिक्स होके जितना टेम्परेचर आपको जो हमारा पल्वराइज कोल है उसका टेम्परेचर आप जो कोल मिल के आउटलेट पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा पीएफएन का जो सिस्टम था मैंने कुछ हद तक कोशिश की समझाने की। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।